क्षेत्र में गणगौर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गांव भट्टुकला के डाण में गणगौर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भट्टू गांव में महिलाओं ने मंगल गीत गाकर व पुजारी ने ईश्वर यानी भगवान शिव की पूजा के साथ दूल्हे के रूप में सजाकर तथा गणगौर माता यानी पार्वती को दुल्हन के रूप में सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर गांव के प्राचीन कुएं पर फेरों की रस्म अदा की गई। यहां पर ग्रामीणों ने गणगौर माता की पूजा भी की। कार्यक्रम के दौरान बीकानेर से डफ पार्टी ने नाच गाकर गणगौर पर्व मनाया, जिसे भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम का आनंद लेने पहुंचे। वहीं गांव के डांड में भी गणगौर पर्व पर हमारी संस्कृति हमारा विरासत के तहत कार्यक्रम किया गया और गणगौर पूजा की गई। इसमें आसपास के अनेक गांवों के लोग भी देखने के लिए पहुंचे। एक मान्यता के अनुसार गणगौर इस गाथा है, बताते हैं कि गणगौर हेमाजल की सुपुत्री थी और ईश्वर वर्मा जी का लड़का था। आपस में दोनों का गहरा प्रेम था तथा दोनों एक दूसरे को चाहते थे। ये दोनों शिव पार्वती के भक्त होने के कारण इनकी मान्यता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चैत्र के महीने में होली के 18 दिन बाद त्योहार की श्रृंखला में भारतीय संस्कृति के हिसाब से आखिरी त्योहार माना जाने वाला गणगौर का यह त्योहार महिलाओं व कुंवारी कन्याओं के सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार मारवाड़ी लोग राजस्थानी हरियाणा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं हरियाणा की संस्कृति में भी यह त्योहार विशेष पहचान रखता है, क्योंकि प्रदेश के सभी हिस्सों में मारवाड़ी रहते हैं। इस त्योहार में कुंवारी कन्याएं जहां अच्छे जीवन साथी के लिए, वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना मानती है। फागुन की पूर्णिमा के जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसी दिन से गणगौर का त्योहार शुरू हो जाता है। होली के 18 दिन तक महिलाएं 16 श्रृंगार कर गणगौर का पूजन करती हैं। गणगौर व ईश्वर माँ पार्वती व शिव की अवतार पर्व है। यह त्योहार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के बाद माता पार्वती अपने पीर आती है, उसे प्रतीक के रूप में यह गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक घरों में मिट्टी के ईश्वर व गणगौर बनाकर इन्हें नई ड्रेस पहनाकर गांव में मंगल गीत गाकर प्राचीन कुएं के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद पूजा अर्चना कर उसका विसर्जन करते हैं। गणगौर के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर गणगौर व ईश्वर की बड़ी धूमधाम से सवारी निकालते हैं, मंगल गीत गाती हैं और लगभग घरों में मीठे पकवान भी ढोकला के रूप में मनाते हैं, जो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। ये ढोकले बाजरी व गेहूं के आटे से एक बर्तन में सरकंडों पर सजाकर भाप द्वारा पकाते हैं। आज की युवा पीढ़ी इनके स्वाद को लेकर तो उत्साहित है, लेकिन उनके बनाने को लेकर आज उनकी रुचि कम होती जा रही है। ये बहुत ही बढ़िया पकवान होता है।